कामरान न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम गेस्ट के पास हम मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान का वो इलाज मुआलजे का शोबा कि जिसके बारे में मैं कहूँ कि उसको स्टेप मॉम जो है वो सूरत हाल का सामना है, उसके उस शोबे के एक सरबराह होम्योपैथिक काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, उसके सरबराह के पास हम बैठे हैं। महमूदुल हक अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की और बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने टाइम दिया। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा डेवलपमेंट्स कुछ इस साल में हुई हैं होम्योपैथी के हवाले से, और मौजूदा गवर्नमेंट में एक तरमीम भी होम्योपैथी के एक्ट में दाखिलों की सूरत में आई है कि जिसके मंजूरी के बाद वो अभी ज़ेर गौर है सेनेट में, उसको ज़ेर गौर लाया गया है, उसको पास होना है। उसके पास होने के बाद एफएससी प्री मेडिकल जो है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय पा जाएगा किसी भी डिप्लोमा कोर्स में इंडक्शन के लिए। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस इंटरव्यू में मैं महमूदुल हक अब्बासी साहब से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज़ाद कश्मीर काउंसिल के जो आपस के इश्यूज थे, क्योंकि ये आपको नाज़रीन जानने में खुशी होगी कि महमूदुल हक अब्बासी साहब का इसमें भी बड़ा इनिशिएटिव रहा, बड़ा वो एक कारफरमाई रही कि एजे के काउंसिल में जहां सरदार फारूक साहब और चौधरी रफाकत साहब जो हैं वो दो फरीकैन हैं काउंसिल का, उनका कुछ तनाज़ात चल रहे थे, वो तनाज़ा भी अब ख़त्म हो चुका है और माबैन उनके कोई एक पैक जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के साथ भी कोई गुफ्तगू हो चुकी है। ये सारी बातें नाज़रीन हम इस गुफ्तगू में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि पैरेंट काउंसिल के चेयरमैन महमूदुल हक अब्बासी साहब इस पे क्या ख्यालात रखते हैं, क्या हमें बताते हैं। महमूदुल हक अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच आप न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान में तशरीफ़ फरमाएं। सर, क्या कहेंगे ये जो अभी इस मौजूदा हुकूमत में एक तरमीम ज़ेर गौर आई है कि जिसके बाद एफएससी प्री मेडिकल को डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए एक पॉलिसी बना दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो न्यूज़ व्यूज़ का खाना सवाल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जरा इस आम से मौजूद के ऊपर जाना मुझसे बात की और ताकि ये बात लोगों तक पहुँच सके। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एक खुद मुख्तार अदारा है और यूएच एक्ट 1965 के तहत काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1,64,000 के करीब होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, जबकि 62,000 और 63,000 जो है ना वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो इस वक्त इन प्रैक्टिसिंग है पाकिस्तान के, क्योंकि वो रिन्यूअल उनकी हर चीज़ अपडेट। पाकिस्तान में ये सिस्टम 1965 में रिकगनाइज किया गया। 1965 के बाद मुख्तलिफ औकात में छोटी तरामीम होती रही, लेकिन 2002 में मैट्रिक साइंस कर दिया गया बीएचएमएस की बेसिक क्वालिफिकेशन, और फिर अब एफएससी के ऊपर जो है ना वो बातचीत हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 141 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रिकगनाइज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वर्किंग कर रहे हैं। 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनके अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके अंदर इस वक्त एफएससी बीएचएमएस एजुकेशन भी दी जा रही है, जो जिसका सिलेबस जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान के तमाम इदारों में जो है ना मुस्तंद माना जाता है। और इस वक्त जो सिस्टम की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त 300 से ज़ायद बी एच एम एस डॉक्टर जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से मास्टर डिग्री लेकर बी एच एम एस जिसको मास्टर डिग्री डिग्री कहते हैं वो लोग मौजूद हैं, और इस वक्त गवर्नमेंट की उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है और उनकी बेतवजी की वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बी एच एम एस क्लासेज डे बाई डे
नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज करने की जाए डिग्री हो। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने अपनी पिछली मीटिंग में दो मीटिंग पहले बात कि हमने नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने एक्ट के ऊपर जाना बड़े गोल खोज के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का एक लेटर था कि वो ये चाहते थे कि यूनानी एक्ट और जो है ना होम्योपैथिक एक्ट को अलग अलग किया जाए और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने बाकायदा अलग एक्ट को जो है ना बना के प्रपोज किया जिसको जो है ना होम्योपैथिक एक्ट 2019 का नाम दिया था और 2020 आ गया और 2019 में छः माह कबल हम फेडरल गवर्नमेंट को अपनी सारी रिकमेंडेशन जो है भिजवा चुके ये सर जो तरमीम के लिए जेर गौर है जी तरमीम है। अब आज तीसरा चौथा दिन आज अब से जो अफसी वाली बात जो है ना चल रही है सेनेट में जाना मैडम ने जाना उसको पेश किया और जो है ना उसके बाद सेनेटिंग स्टैंडिंग कमेटी में भी देर को आई कल कुछ दोस्तों की मुलाकात भी हुई उनसे मुख्तलिफ सेनेटर से इसी सिलसिले में बेसिकली पाकिस्तान का हर होम्योपैथ और हर बशिंदा मैं ये समझता हूँ वो चाहता है कि होम्योपैथी की बेसिक क्वालिफिकेशन एफएससी की जनरल हो लेकिन जिस तरह से आप घर की छत पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी दरकार होती है इसी तरह आपको डिप्लोमा को फेल आउट करने के लिए या डिप्लोमा से टूवर्ड्स डिग्री की तरफ जाने के लिए आपको भी कुछ फेज बनाना पड़ेगा कुछ दरमियान में सीढ़ी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आप जो इस अपग्रेडेशन के सिस्टम से गुजर सकें। मैंने कल भी एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि यूनिपोलर जो है ना अमेंडमेंट यूनिपोलर अमेंडमेंट जो है ना वो हमारे लिए किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगी। एक तरफा एक सिर्फ डिप्लोमा की एजुकेशन को अफसी कर दिया जाए हालांकि इससे पहले पाकिस्तान की सात बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर एच ई सी की मामलत से एच ई सी की जो है ना रिकग्निशन और जो है ना मंजूरी के बाद एक बी एच एम एस प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए एडिशन की ज़रूरत है कि डिप्लोमा के साथ साथ एफ एस सी और बी एच एम एस की एजुकेशन को जो है ना शामिल किया जाए एक्ट के अंदर जो कि इस वक्त एक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने सिर्फ न सिर्फ जो है ना मौजूदा बी एच एम एस को अपग्रेड करने के लिए 3 साल का एक कोर्स जो है वो हमने मुतारफ़ कराने की कोशिश की है ताकि मौजूदा जो डी एच एम एस है वो भी अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए 3 साल का कोर्स जो है ना वो कर सकें और वो भी हमने एक्ट की जो अमेंडमेंट प्रपोज की है उसके अंदर शामिल हो। उसके बाद जो है ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की तरह यहाँ पर अपनी एम डी शुरू हो और होम्योपैथी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन शुरू की जाए जिसके लिए हमने एम डी आफ्टर डी एच एम एस आफ्टर बी एच एम एस जो है ना 2 ईयर्स और जो है ना एफ एच एम एस फेलोशिप इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 3 ईयर्स की जो है ना प्रपोज की है और उसके लिए जब इसकी एक्ट के अंदर तरमीम आ जाए तो फिर हम उसके लिए चला सिलेबस की भी तैयारी करेंगे और इसके साथ साथ हम मैं ये प्रपोज करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो होम्योपैथिक एजुकेशन है उसके मैार को बेहतर करने के लिए और तिबी में जो है ना एजुकेशन के मैार को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर एक आल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अलग यूनिवर्सिटी का क्या मामला है। इस वक्त जो हमारी जो ज़रूरत है और इस होम्योपैथिक प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है मैं ये समझता हूँ कि ये जो बीमार दुखी इंसानियत है पाकिस्तान की उनकी ज़रूरत है कि इस सिस्टम को जो होम्योपैथिक का इलाज है या दूसरे जो आल्टरनेटिव सिस्टम जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कुछ सरकारी सतह पर उनको रिकगनाइज किया जाता है जिसकी जैसे यूनानी सिस्टम है उसके अलावा चाइनीज हर्बल और बहुत सारे जो है दूसरे सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है उनकी प्रैक्टिस की जा रही है उनको भी जो है ना अंडर लेजिस्लेशन के लेने की जरूरत है। और एक यूनिवर्सिटी मैं बात कर रहा था कि इंडिया के अंदर 85 यूनिवर्सिटी बांग्लादेश जो कल हमारा हिस्सा था 71 से पहले वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी काम कर रही है और हमसे एजुकेशन में वो बहुत बेटर जा चुके हैं। आप ये देखते हैं कि जो है ना होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इंडिया जो है ना बहुत जो है भारी मकदार में अदवियात जो है ना बाहर भेजता है और उससे जो है ना उधर मुबादला भी कमा रहा है इसी तरह जो है ना बांग्लादेश है और जो है ना जितने दूसरे कंट्रीज हैं
अब जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेते और हम ये समझेंगे कि जो ना मैं जो अक्सर लव्स यूनिपोलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तीसरा हाँ सर अभी मैं थोड़ा सा सर आपने ये यूनिपोलर का बड़ा ये लव्स इस्तेमाल किया इसका तो मुझे लगता है यूनिपोलर का मतलब ये कि यक कुतुबी जी उसका मतलब ये शवाल के खेचदा जुनून की नहीं लेकिन ये 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 उस ये कौन सा पोल है सर जो ये वो पोल है एफएससी प्री मेडिकल की तरफ सिर्फ एक एफएससी प्री मेडिकल अगर सिर्फ आप एक एक्ट की एक तर्मीन एक शिक के अंदर तर्मीन करेंगे तो इस एक्ट के जो अगराज मकासद है वही खत्म हो जाए यानी इस एक्ट के अगराज मकासद ये है कि पाकिस्तान के अवाम नहीं सर मेरा जो मकसद था सवाल करने का कि आपने बोला कि यूनिपोलर है ये तो यूनिपोलर का मतलब ये है कि एक चीज है एक एक्ट की एक तर्मीन के अंदर अच्छा मैं सवाल करके कोई ग्रो नहीं है कोई ग्रो की बात नहीं है ग्रो ये ग्रुप की बात नहीं कर रहा ओके ओके यानी मैं ये कह रहा हूं कि एक्ट की किसी एक शिप को तो इसको यूनिफोकल बोल देते हैं सर यूनिफोकल क्या है या यूनिफोकल भी नहीं है फोकल होता तो अगर यूनिपोलर से कुछ मतलब और निकल रहा है ना सर यानी कोई लगता है ये नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का प्रेसिडेंट जो है उसका कोई अपना एक ग्रुप है और कोई अलहदा ग्रुप की बात नहीं है अच्छा यूनिपोलर का मतलब यक कुतुबी कुतुब कहते हैं मशरिक मगरिब शमाल बिल्कुल सर यानी शमाल की जगह अगर दुनिया को खींचेंगे बिल्कुल सर तो दुनिया जो है ना कभी भी जो है ना वो बैलेंस हालत में नहीं रह सकते अगर आप मगरब की तरफ कहेंगे तब भी नहीं आ रहा है अच्छा मकसद ये है सर कि आप एफएससी प्री मेडिकल के हाथ में नहीं है मैं एफएससी प्री मेडिकल के 100% हाथ में लेकिन सिर्फ डीएचएमएस की एजुकेशन को एफएससी होम्योपैथी करना ये होम्योपैथी के साथ जुल्म होगा होम्योपैथिक इदारे के साथ नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के साथ जुल्म होगा 140 इदारों के साथ जुल्म होगा इस वक्त पाकिस्तान में 1965 से लेकर आज तक यानी 140 कॉलेजेस जी जी इधर 140 कॉलेजेस के साथ साथ इस वक्त जो 1965 से लेकर 2019 तक जो इदारे जो है सिस्टम को सर्व कर रहे हैं और जिन्होंने जो है ना जैसे तैसे अच्छे ये बुरे हालात थोड़ा सा मैं जरा सवाल को जवाब अच्छे ये बुरे हालात में उस सिस्टम को रन करने का जो है ना वो मुझे बढ़ रहा है बिल्कुल तो अगर आज हम फौरी तौर पर एक ऐसी चीज को कर लेंगे कि जो ये दुनिया भर में पहली बात मैं ये कहूंगा दुनिया भर में कहीं पे 4 साल का डिप्लोमा नहीं होता और जो है ना हम मैट्रिक के बेस पे डिप्लोमा करते थे मैट्रिक साइंस का अब अगर उसे एफएससी कर दिया जाए उस डिप्लोमा को ऑलरेडी एजुकेशन हम एफएससी बेस के ऊपर आप ऑलरेडी एजुकेशन दे रहे हैं जो बीएचएमएस है जो मास्टर डिग्री की इक्विवेलेंट है तो उसके अंदर यानी आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और 7 यूनिवर्सिटीज के अंदर इस वक्त जाना उसकी एजुकेशन दी जा रही है और मजीद जो है ना 2-3 दिनों में एक और यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्पेक्शन होने जा रही है कराची के अंदर जिना यूनिवर्सिटी की 21 तारीख को इंस्पेक्शन है वहाँ पर भी एच एम एस क्लासेज की जा रही है उम्मीद है कि 4 दिनों में वहाँ पर भी हो जाएगा और एक यूनिवर्सिटी अगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कोयटा और इस्लामाबाद है उसका जो है केस ऑलरेडी हम फेडरल गवर्नमेंट को भेज चुके हैं बीच एम एस क्लासेज के लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर बी एच एम एस की एजुकेशन जो है ना होनी शुरू हो जाए और जो है ना उसके साथ साथ जो जो मौजूदा इदारे हैं उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो अपने आप को किसी के साथ यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करके जो है ना अपनी अपग्रेडेशन करके सिस्टम के साथ जो है ना जो सीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं वो यही सीढ़ी है कि जो आपको सिस्टम को अपग्रेड करने के काम आएगी पाकिस्तान में आज तक जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बनी उनके पास एक कैंपस मिली था आप पार्टिसिपेटरी सिस्टम में मेडिसिन की यूनिवर्सिटी बनाए 140 कैंपस आपको ऑलरेडी मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह जो है ना हिकमत के भी तकरीबन 40 के करीब कॉलेजेस हैं तो वो भी आपको जो है इंस्टीट्यूशन को मिलेंगे यानी आप जब ये यूनिवर्सिटी खड़ा करेंगे सिर्फ जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर आएंगे उसका रनिंग एक्सपेंडिचर ही नहीं है आपके अच्छा सर ये 140 इदारे जो जिसका आप कह रहे हैं कि वो इफेक्ट होंगे इससे उन्होंने होम्योपैथी को अब तक ऑलमोस्ट 65 से लेके अब तक कैसे सर्व किया इसको कैसे देखते हैं सर 1,65,000 तो वो लोग इस वक्त जो है ना प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है तो इन्हीं इदारों के बलों ने मिलना था ना इन्हीं छोटे तीन इदारों से है आप इंडिया के अंदर देख लें इवन तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ वे ऑफ ट्रीटमेंट को देख लें 1947 में पाकिस्तान बना बदकिस्मत से हमें जो रिकग्निशन मिली 1965 में मिली पहले 48 का एक्ट आया ड्रग एक्ट आया फिर जो है ना 56 में आया फिर 76 में आया पहले जो है ना
वहां पर भी एबीसी और सल्फा डाइजिन जो देना जानते थे उनको रजिस्टर किया गया, आर एन पी कहते थे रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का। फिर उसके बाद एक अलग से कोर्स शुरू हुआ था, उन्होंने किया था जो एफ एस सी बेस पे 3 ईयर्स का कोर्स होता है, और वो अलग से जो है ना आज भी शायद 5, 6, 7, 8, 10 लोग पी एम बी सी के साथ आर्मी रजिस्टर मौजूद है, और शायद ज्यादा भी पॉसिबल है जी इस वक्त भी है, और जो है ना जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो भी मौजूद थे अभी भी फील्ड के अंदर। अब कुछ लोगों ने अपने आप को इनहांस कर लिया जो है ना सिस्टम के आगे ले गए, उसके बाद जो है ना उन्होंने खत्म कर दिया एलएसएमएफ को, जाना बढ़ गया आगे एमबीबीएस की तरफ। आज आप देखें तो पाकिस्तान की फील्ड के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर भी उस तरह से नहीं खप रहा है, तो उस तरह से उसकी डिमांड मार्केट के अंदर डिमांड नहीं जब तक वो कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं कर देता। अब ये फेज आउट हुए ना वो भी कि यानी आपने जिन जो लोग इंजेक्शन लगाना जानते थे थोड़ी बहुत दवाई देना जानते थे उनको रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर बना, फिर आपने कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाना जिसको अलग से बात करते थे, फिर उसके बाद आप एमबीबीएस की तरफ बढ़े, आज लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमें जो 1947 के बाद आप समझ लें कि जाना 18 साल के बाद हम पैदा हुए, यानी कि सिस्टम को 18 साल के बाद ही रिकॉग्नाइज किया गया पाकिस्तान, हमें भी फेज आउट होने के लिए टाइम चाहिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे भी जस्ट आर एच एम पी से आज भी फील्ड के अंदर कुछ शायद चंद जो है ना 50-60 लोग ऐसे मौजूद हो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके पास कोई सरल नहीं है डी एच एम एस की। उसके बाद डी एच एम एस आया, अब डी एच एम एस के बाद हम भी बी एच एम एस की तरफ बढ़ चुके हैं, इस वक्त 7 यूनिवर्सिटीज में हो गए। अब इसको ब्रिज आउट करने की इसके दरमियान सीढ़ी बन के इस सिस्टम को अपग्रेड करके होम्योपैथिक एजुकेशन को बेटर करने की जरूरत है, और ताकि जो बेसिक मकसद हमारा क्या है एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट हो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट हो अदर जो दूसरे सिस्टम है उनका मकसद है बुनियादी मकसद यह है कि इंसानी बीमार इंसानियत को सिर्फ अच्छा सर ये तो फिर एक बहस दूसरी तरफ चली जाएगी कि एलोपैथिक, क्योंकि इस पर मेरा अपना बड़े कॉलम मौजूद है शदो मत से, इस पर मैंने बात की है सर कि एलोपैथी मैं तो समझता हूँ सर कि मैं बड़ा बर्मला इस वक्त सब सुन रहे हैं सर, मैं एलोपैथी के हक में सर्जरी के हद तक तो हूँ, जहाँ सर ये ट्रीटमेंट की बात आती है मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं है सर, मैं फार्मा को सर्व किया हूँ और यू नो दैट सर वो उस तरफ नहीं जा सकता। असल में मैं इस चीज को मैं भी इस चीज को देने पास नहीं लाना चाहता, हमारे व्यूज एंड जो भी हो सकते हैं डिफरेंट व्यू हो सकते हैं लोगों से, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त एक मुस्लिम तरीका इलाज माना जाता है और वर्ल्ड में नंबर वन पे वही सिस्टम है, और ये भी दुनिया मानती है WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में सेकेंड नंबर पे जो इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट वो होम्योपैथिक का इलाज है, और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम इस सिस्टम को जो हम अपने सिस्टम की तरफ आते हैं, हमारा सिस्टम जो है एक आप कह सकते हैं कि जैसे आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होता है तो उसे आप कहेंगे आप सर्जरी करें तो जो है ना ही कांट डू सर्जरी, तो इसी तरह एक होम्योपैथिक फिजिशियन का रोल है हमारा, और फिजिशियन का रोल यह है कि पूरे इंसान को सेहतमंदी की तरफ लौटाना। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट हम भी पढ़ते हैं हमारी भी जाना एजुकेशन सर ये आपको मानना पड़ेगा बिल्कुल हम पढ़ते हैं, और मैंने भी पढ़ा है सर, DHMS किया फिर BHMS भी किया और मैस्कॉम किया सर, और अभी मैं प्रैक्टिस जो है वो एक जर्नलिस्ट और एक अपने एक न्यूज़ चैनल को वो सर्व कर रहा हूँ सर। आप मानेंगे सर कि जो एनाटॉमी जो बायोकेमिस्ट्री जो पैथोलॉजी यहाँ हमारे होम्योपैथी में पढ़ाई जाती है तमाम कॉलेजेस में यहाँ भी कश्मीर में भी कहीं भी इवन BHMS 2 ईयर ग्रेजुएट जो कोर्स है वो आप जानते ही हैं सर, क्या कहेंगे उसके बारे में क्या वो इस क्या देखें अब आपने वो क्वेश्चन किया है कि आप खुद भी सिस्टम से गुजरे और जाना बेशक जो है ना हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं, ठीक है जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम की बात की है तो वो तो काउंसिल ने आज तक माना ही नहीं, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम को ना काउंसिल एक्रेडिट करती ना काउंसिल से तस्लीम करती, जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम काउंसिल या ना ही HEC उसे जगह मानती है। एक प्रोग्राम है मैं जो है इंडिविजुअल्स पे आ जाएगा बात, मैं इंडिविजुअल्स की तरफ नहीं जाना चाहता चूँकि इंडिविजुअल्स पे जो है फिर मामला डिफरेंट लोग उसके आते हैं। मैं जो बात आपको जो बात सवाल है आपका
लेकिन एफएससी किन लोगों के लिए कर रहे हैं कि एफएससी के बाद में बीएचएमएस दे, डीएचएमएस को एफएससी की जरूरत नहीं है, तो डीएचएमएस को फेज आउट करके डीएचएमएस को 3 साल का ग्रेडेड डिग्री कोर्स करा के उनको भी बीएचएमएस बनाए, उनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इनहांस करे। मैंने कहा ना सीढ़ी का काम लगा छत पे जो है छलांग लगा के नहीं जाया जा सकता, सीढ़ी के जरिए जाना पड़ेगा। अब जो मौजूदा स्टूडेंट्स इस वक्त जेर तालीम है या जो लोग बीएचएमएस कर चुके हैं उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए भी आपको सोचना होगा, ताकि जो सिस्टम है वो आपस में कंपोज रहे, ना कि सिस्टम को जो है ना आप डिसइंटीग्रेट कर रहे हो। जो है ना आप ये कहें कि जो है ना एक डिप्लोमा होल्डर की जो है ना बेसिक क्वालिफिकेशन भी एफएससी होगी और जो है ना मास्टर डिग्री होल्डर वाले की भी एफएससी होगी, तो कौन जो है ना ये चमस इधारों में पढ़ने आएगा? दूसरी तरफ उसे मास्टर डिग्री मिल रही है, कुछ मिल नहीं रहा, तो आपको जो है ना ये चीज सोचनी है। मैंने इसीलिए उसको यूनिपोलर कहता हूँ, एक तरफ मत कहते मैं इस चीज का मानती हूँ, कथित तौर पर इस चीज का मानती हूँ, कोई भी जो है ना मैं जी एकल शख्स जो है ना इस बात को जो है ना नहीं तस्लीम करेगा, जो आज भी इस दौर में मेडिकल एजुकेशन की बेसिक क्वालिफिकेशन मैटर की रहनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको मैंने कहा कि 300 मोर देन 300 जो है ना जो हमारे ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं जो बी एच एम एस करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो चुके हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के हैं मोस्टली, तो वो उन लोगों को भी जो है ना इस वक्त अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। यानी कम अज कम आपने एक जो है ना सिस्टम पंजाब के अंदर आपको पता है बी एच क्यू और टी एच क्यू के अंदर जो है ना डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, और जो है ना बड़ी अच्छी अंदाज में वो डिस्पेंसरी चल भी रही है, लेकिन आज जो लोग वहाँ से रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वो पोस्ट खाली हो गई है, तो उसके ऊपर भी कोई बंदा अपॉइंट नहीं किया जा रहा। और जो है ना आपने मजीद उस काम को आगे बढ़ाना था कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर के बाद रूरल असेंटर जो सिलेक्टिव रूरल असेंटर के अंदर पोस्ट मौजूद है, लेकिन सारे रूरल असेंटर के अंदर पोस्टें मौजूद नहीं है। सारे रूरल असेंटर के साथ साथ हम ये समझते थे कि ये लेवल जो है ना आप बी एच यू लेवल तक लेके जाएंगे कि वहाँ पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर अकीम और एलोपैथिक डॉक्टर लोगों को मयसर हो। चूँकि लोग मैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर मैं बात करता हूँ कि जो है ना मेरे पास जो है ना गाँव से भी लोग आते हैं, दूर दराज जो है ना देहात से भी लोग आते हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, दूर दराज देहातों से लोग आके जो है ना एक मतलब ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, तो आप उनके हकूक को डिप्राइव क्यों कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट का काम है कि हर शख्स को जो है ना वो तालीम और हर शख्स को जो है ना हर शख्स मुझे रोके नहीं बात कर रहे हर शख्स को तालीम और हर शख्स को जो है ना वो सेहत दे। अब सेहत देने के लिए मेरी जो है ना प्रायोरिटीज है, जैसे आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी प्रायोरिटी क्या, आप ये समझते हैं कि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लूँगा या जगह एक मतलब ट्रीटमेंट मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक्सपेल क्यों कर रहे हैं, आप मुझे जो है ना जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप और ट्रीटमेंट में? तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही कम सरमाए के साथ, बहुत ही कम फाइनेंशियल जो है ना कंस्टेंट के साथ जो है ना होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज का आगाज किया जा सकता है। DHQ के बाद रूरल सेंटर बेसिक अजूमेंट में पंजाब की सतह पर KPK में कुछ अर्सा पहले जो है ना कुछ पोस्टें हुई थी, उसके बाद उसके ऊपर भी जो है ना वर्कआउट नहीं किया जा सकता अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ पर भी ये जरूरत है सुबह सिंध और जो है ना बलोचिस्तान के अंदर आज तक जो है ना वैकेंसी नहीं दी। आप एक सिस्टम को हाई प्रिविलेज सिस्टम करते हैं, दूसरे सिस्टम को आप इतना डिप्राइव कर रहे हैं कि उसको जो है सिर्फ 30 लाख या 32 लाख रुपए सालाना ग्रांट दे के आप ये कहें कि ये सिस्टम जो है ना उसी सिस्टम के पैरेलल खड़ा हो गया, और जो है ना आपका पास एक भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आके गवर्नमेंट नहीं बनाया exactly. आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, 5 यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद है, हर सूबे की अलग यूनिवर्सिटी, फेडरेशन में भी अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है। आप इस सिस्टम के लिए या कोई रिसर्च सेंटर नहीं, कोई रिसर्च सेंटर जो है ना इसके ऊपर जो है वर्कआउट रिसर्च सेंटर का एक नाम है, हमारे पास बिल्डिंग में मौजूद है, हमारे पास फाइनेंशियल जो है ना इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम जो है उसको कर सकें। तो हमें जरूरत यह है कि मैं ये कहता हूँ कि आप एक्ट के अंदर जरूर तरमीम करें, FSC प्री मेडिकल करें, उसके साथ जो है ना DHMS करें, मौजूदा DHMS को 3 साल का कोर्स करने दें, सिर्फ ना सिर्फ जो है ना FSC प्री मेडिकल, ना सिर्फ FSC प्री मेडिकल बल्कि वो स्टूडेंट जो हमने खुद इतनी मेहनत के बाद रिकग्नाइज करवा लिया है कि फर्स्ट 2 ईयर को IBCC आपकी FSC वो भी मानती है, यानी उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देती है
जो आपकी एफएससी प्री मेडिकल के और क्या है एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बराबर है, तो अब उन 2 इयर्स के स्टूडेंट को भी इस बीएचएमएस में एडमिशन की इजाजत है जो हमारे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से जाना निकल के है। तो आपके जो है ये सिस्टम सीढ़ी बन के फेज आउट करके पाकिस्तान की नौजवानों को एक अच्छी एजुकेशन देकर बेरोजगारी से भी बचाए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आप बनाएंगे तो वो इतना आपको ज्यादा बोझ नहीं देगा, वो खुद अपना क्लिनिक खोल के रन करेगा और ज्यादा लोगों को सेहत की सहूलियत सौंपते होंगे। सर मैं दो बड़े बुनियादी सवाल करना चाहूंगा और स्ट्रेट सवाल है, और मैं पहले माजरत के साथ सर क्योंकि आप जरा गुस्सा हो जाते हैं, मैं माजरत पहले कर लूंगा सर। रेगुलेटरी बॉडी तो है ना नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान सर, पाकिस्तान में सर ये रेगुलेटरी बॉडी होते हुए आपके होते हुए सरबराह होते हुए अगर बीएचएमएस जैसे कि आपने कहा कि 2 साल का कोर्स तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, एचईसी एक्सेप्ट ही नहीं करती, फिर ये कॉलेजेस जो हैं जिसका मैं भी विक्टिम हूँ, मैं भी एक बीएचएमएस एक इदारे से किया हूँ और नेशनल काउंसिल जो है वो उसको कंसिडर नहीं कर रही, इसको सर करने क्यों दिया जा रहा है इनको? हम रेगुलेटर जरूर है, थानेदार नहीं, हम किसी को पकड़ के नहीं ला सकते, ये हमारे पास कहीं कानून में अगर ये पावर होती तो मैं उनको खैर के जरूर जेल के अंदर बंद करवा, अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास नहीं है। काउंसिल ने बारहा अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके अलावा जाना मेरे अपना जाना सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर बार बार जाना मुख्तलिफ मीडिया जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब भी बात हुई तो मैंने कहा ये जो है ना 2 ईयर्स जो है ना जो कोर्स है वो रिकग्नाइज नहीं है। अब लोग अगर उसके बावजूद जाकर एडमिशन ले रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब पीएमडीसी बार बार कहती है या दूसरी तरह कोई इंजीनियरिंग काउंसिल है कि ये इदारे हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर जो हमारा इंजीनियरिंग कोर्स हो रहा है या जो है ना एमबीबीएस हो रहा है वो जो है ना उसको रिकग्नाइज किया जाता है, उसको आप जो है एक्रेडिट करते हैं, बाकी को नहीं करते, उसके बावजूद लोग इधर उधर एडमिशन लेते हैं, तो उनका मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैं उन लोगों को कि मैं 22 करोड़ आवाम को एक एक बंदे तक जाकर पहुँच के ये बात नहीं कर सकता, आपके जरिए आपने अभी मीडिया में बात की, मैं आज भी कहता हूँ कि काउंसिल ने 3 साल का प्रोग्राम जो है ना मंजूरी दी है, जो आपका बीएचएमएस का 5 ईयर का सिलेबस जो मंजूर शुदा सिलेबस है उसके लास्ट 3 ईयर मौजूदा डीएचएमएस को हम एग्जेप्ट कर रहे हैं 2 ईयर्स और जो है ना लास्ट 3 ईयर वो पढ़ के डीएचएमएस कर रहे हैं। हमने काउंसिल इस चीज़ की इजाजत दी जो अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो सेकेंड फेज प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ये कहीं में भी शुरू नहीं हुआ, और अगर कोई करवा रहा है इलीगल है, और जो है ना मैं समझता हूँ तो पैसे का ज़्यादा कर रहे हैं आप, और जो है ना मैं उन लोगों से भी ये कहूँगा कि जो है ना आप यानी इस चीज़ को देखें कि कौन सी चीज़ें जो है ना इदारे मानते हैं। देखें हायर एजुकेशन कमीशन जब हायर एजुकेशन की बात आएगी तो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की हालाती से बाहर नहीं जा सकते, जिस चीज़ को हायर एजुकेशन तस्लीम करेगी हम भी उसे तस्लीम करेंगे, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो चीज जो है ना एज ए रेगुलेटर। अच्छा मतलब सर आज आपने ये तो बिल्कुल क्लियर कर दी बात कि जो 2 साल का बीएचएमएस का कोर्स है वो एक्रेडिटेड नहीं है, नेशनल काउंसिल भी उसको नहीं मानती और एचईसी भी उसको नहीं मानती, तो इसके बाद भी अगर नाजरीन कोई इन इदारों में एडमिशन लेता है तो वो अपने रिस्क पे लेता है, और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट महमूद हक अब्बासी साहब ने ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बयान की। अच्छा सर मैं अब आऊँगा यहाँ पाकिस्तान में, तो आप इख्तलाफ कर रहे हैं कि डीएचएमएस की इंडक्शन जो पॉलिसी है उसमें तरमीम का आप आभारी नहीं, आप इख्तलाफ कर रहे हैं सर, मतलब आप एफएससी प्री मेडिकल नहीं, मैं मेरा सवाल सर पूरा होने दें, आप एफएससी प्री मेडिकल क्राइटेरिया के अगेंस्ट हैं जो कि एक डिप्लोमा है भाई, और डिप्लोमा की बेसिक क्वालिफिकेशन एफएससी करने का मैं मुखालिफ हूँ, सही, मैं हमायती हूँ एफएससी करने का जिसके साथ एफएससी प्री मेडिकल के साथ बीएचएमएस। अब सर ये लफ्जों के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी, लफ्जों के साथ नहीं खेलने वाली बात, आप लफ्जों के साथ समझते हैं आप कैसे रहे, मुझे 33 साल हो गए इस सिस्टम को सर्व करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली से ज्यादा इस सिस्टम को सर्व किया, और मैं ये समझता हूँ कि मैं बीइंग अ होम्योपैथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि मैं जो है ना बीइंग होम्योपैथ सिंसियर होम्योपैथी से, और क्यों दावा करता हूँ तो मैं कभी किसी जो है ना दूसरे तरीका इलाज की तरफ नहीं देखता, अदर देन अपनी डिजीज के हवाले से, अपने फैमिली की डिजीज के हवाले से, और लोग समझते हैं कि जो है ना इस सिस्टम को सर्व करने के लिए जो है ना 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हदीस है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो
वो ही दूसरों के लिए पसंद। मैं अपने लिए होम्योपैथी को पसंद करता हूँ, इसलिए लोगों के लिए भी होम्योपैथी पसंद करता हूँ। अगर मैं अपने लिए होम्योपैथी को पसंद नहीं करूँ तो मुझे अगर दूसरे लोगों के लिए करता हूँ तो इसका मतलब मैं ज्यादा करता हूँ। मैं दो चीज़ें आपको बड़ी क्लियरिटी से बात समझाना चाहता हूँ कि मैं एफएससी का एमआईटी हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने सब अपनी दो पिछली मीटिंग के अंदर, लेकिन बीएचएमएस के लिए सर, बीएचएमएस के लिए डीएचएमएस को फेज आउट करें कि बैचलर प्रोग्राम जी, बैचलर प्रोग्राम में सर डिप्लोमा आफ्टर एफएससी कोई बंदा नहीं करेगा। एक बंदा एफएससी प्री मेडिकल में 60% मार्क्स लेके डिप्लोमा में दाखिला लेगा, हाउ एंड व्हाई? देयर आर सो मेनी चॉइसेस इन द फील्ड, बायोइनफॉर्मेटिक्स की तरह चला जाएगा, डी फार्म की तरह चला जाएगा, किसी और टेक्नोलॉजी की डीपीटी की तरह चला जाएगा, किसी को आपकी तरफ क्यों आएगा? व्हाई सर? मैं दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो है ना एफएससी पीएचएमएस की क्वालिफिकेशन और डीएचएमएस को अगर आपने फेज आउट करना है तो फेज आउट कर दे अप टू बाय फेजिंग आउट। व्हाट डू यू मीन सर? मतलब इसी तरह से मैं इसी तरह से फेज आउट करने की बात करता हूँ, जैसे एचईसी ने आज से जो है ना कितने साल पहले ये फैसला किया था कि हम 2 years बीए खत्म कर देंगे, 2 years बीएससी का आज भी हो रही है, एचईसी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर। हमारे मुल्क की मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे पास इस वक्त जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है, हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर आज भी 2 years बीएससी हो रही है और वो अभी तक खत्म नहीं हो सकती। हालांकि बीएस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मेजोरिटी अब जो है ना बीएस 4 years का कोर्स स्टार्ट हो चुका है डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हम वो 2 years की बीएससी को नहीं खत्म कर सके, 2 years की बीए को नहीं खत्म कर सके। तो हमें इसी तरह से डिप्लोमा को खत्म, जैसे इंडिया का फेज आउट हुआ ना, तो डीएचएमएस के साथ अब इस डीएचएमएस को भी तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब बाप ही नहीं होगा तो बेटा कैसे आगे बढ़ पाएगा? मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जिन लोगों ने स्टार्ट किया डीएचएमएस, डीएचएमएस जिन्होंने डीएचएमएस स्टार्ट किया था, दे आर रजिस्टर्ड होम्योपैथ, रजिस्टर्ड होम्योपैथ ने डीएचएमएस को पढ़ाया, तो फिर उसके बाद आज डीएचएमएस, आज तो डीएचएमएस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग समझते हैं, स्पेशली जो हमारे कानून बनाने वाले इदारे उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बीएचएमएस करने के बाद लोग एमफिल कर चुके हैं और पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है ना उन लोगों को चाइना उन लोगों से काम लें, हम यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट खोले, वो बीएचएमएस वहाँ पर लेक्चरशिप और डेमोंस्ट्रेटरशिप ले। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा, आपकी गुफ्तगू मैंने समझी और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं सर कि बीएचएमएस के लिए तो मैं मतलब हाथ में हूँ कि क्राइटेरिया एफएससी प्री मेडिकल होगा, लेकिन डिप्लोमा कोर्स के लिए जो 4 साल का है डीएचएमएस के लिए आप हाथ में हूँ। सर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि नाजरीन इस चीज को समझ सकें, सर आपके ख्यालात और ये गुफ्तगू जो है वो नाजरीन समझ सकें। अब सूरत हाल ये है सर कि बीएचएमएस कैसे आएगा सर, एफएससी उसका क्राइटेरिया होगा, फिर ये इसको बढ़ाने के लिए कि ये लॉट कहाँ से आएगी, वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे सर, क्या करेंगे उसके लिए? बीएचएमएस इस वक्त जो है मैंने कहा जैसे मोर देन 300 जो है ना, मैं अभी एग्जैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ कि मोर देन 300 इस वक्त बीएचएमएस मौजूद है, राइट जो आप यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, बहुत से लोग जो है एमफिल करके हमारे पास मौजूद है, तो वो लोग पढ़ाने के लिए आए, हमें वैसे प्लस हमारे पास बीएचएमएस मौजूद है। 150 वो कौन से सर, 5 साल कोर्स वाले या 2 साल? 5 साल कोर्स, 5 साल कोर्स जी, 5 साल कोर्स। ये तो एक जबरदस्त बात है, यही बात मैं आप कह रहा हूँ उन लोगों की, आप जब तक ये तो सर उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझ आएगी कि जो है ना हम देखें पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर शायद एजुकेशन को डिफरेंट अंदाज में देखा जाता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो एरिया है ना, और स्पेशली हम जिस माशरे से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पर डिग्री इसलिए ली जाती है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे जो है ना कोई इससे अर्निंग का जरिया मिल जाएगा। तो मुझे ये बताया कि जो है ना एक शख्स मास्टर डिग्री होल्डर की इक्विवेलेंट जो है ना बीएचएमएस करने के बाद अगर उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे देंगे तो कैसे वो सिस्टम ऑक्सीजन ले सकेगा, कैसे वो सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा? अच्छा मतलब सर आपके पास सर वो स्टफ मौजूद है कि जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, वो 300 प्लस बीएचएमएस क्वालिफाइड आपके पास प्रोफेशनल मौजूद है जो जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का वो कर यानी आप दूसरी जो बार-बार आप सवाल कर रहे हो बार-बार आपके भी क्लैरिटी नहीं हो रही है, मैं दुनिया को भी क्लियर करना चाहता हूं, आपको भी क्लियर करना चाहता हूं। देखें आप
एक ही चीज को, एक को कहते हैं कि आपको मास्टर डिग्री मिलेगी, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन एफएससी होगी, दूसरे को कहते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा जिसके आगे रेगुलेंसी भी डिटरमाइंड फाइनली लास्ट 2 ईयर की नहीं, फर्स्ट 2 ईयर की तो हो चुकी है एफएससी, लास्ट 2 ईयर की अंडर प्रोसेस है इस वक्त भी है, उनको कहेंगे आपको डिप्लोमा मिलेगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि फिर जो उस डिप्लोमा की तरफ कौन जाएगा, उसको कोई भी, और फिर उस डिप्लोमा होल्डर को भी आप कहेंगे कि यू आर डॉक्टर, वो पहले डॉक्टर, और उस मास्टर डिग्री होल्डर को भी कहेंगे यू आर डॉक्टर। तो कैसे जो इस तफरीक को, इस यानी इस जो आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो है ना डिसबैलेंस है, मैंने कहा कि मैं एफएससी का भर्ती हूँ और इस मौजूदा बीएचएमएस को खत्म करके बीएचएमएस को स्टार्ट करने का भी अमायती हूँ मैं, इस चीज का जो है ना, मैं इस मौजूदा जो मेरा इलेक्शन हमने लड़ा उसके बाद मेरे दिल में जो इस 5 साल टेन्योर की मैं मेरी जो ख्वाहिश है जिसको मैं किस हद तक अपनी जगह पहना सकता हूँ कि मोर देन 25-30 यूनिवर्सिटीज के अंदर बीएचएमएस क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मोर देन जो है ना 50% हमारे जो कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा इस वक्त करवा रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाए। इस वक्त हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं जो डिग्री के साथ एफिलिएशन, 4 कॉलेजेस हैं जो डिग्री के लिए एफिलिएशन दे चुके हैं, वो एक जो है ना एरियाज बता दें सर, एरिया जो है हैदराबाद है, लाहौर है, एक पेशावर है और एक जो है अहमदाबाद है, जिन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ एनओसीज ले लिए हैं और जो है काउंसिल ने रिकमेंड किया है फॉर 5-year प्रोग्राम। अब अगर नाज़रीन की आगाही के लिए सर इनके नाम नहीं, अभी तक चूंकि फाइनली नहीं हुआ, मैं इसलिए नाम पर्सनल हो जाती है, मैं पर्सनल चीजों पर नहीं जाऊँगा। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 140 कॉलेजेस में से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 50% ऑफ कॉलेजेस इस काबिल कर लें कि वो पंजाब में किसी भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का जहाँ पर पहले से चूँकि वही यूनिवर्सिटी आपको एफिलिएशन दे सकती है जिसमें ऑलरेडी वो शोभा मौजूद है, सही, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर शोभा मौजूद है उसके साथ जो है ना हम एफिलिएशन के काबिल बना रहे हैं। अच्छा सर, आपके पास अब ये जो 2 साल बीएचएमएस जिन्होंने कोर्स किया हुआ सर, डिग्री ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ, उनके लिए कोई खुशखबरी है, होगी सर, क्योंकि देखें उन्हें विक्टिम तो देखें ना, देखें अभी तो जो है ना मैंने कहा ना कि जो मौजूदा कंडीशन है वो ये, जिस वक्त 3 ईयर्स प्रोग्राम हमारा HEC से फाइनलाइज हो जाता है उसको जो है ना HEC भी जो है ना स्क्रीन कर देती है जिसके अंदर जो है ना हमारी बातचीत चली, फिर हम 2 ईयर्स के बारे में भी बात करेंगे, आखिर उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने कुछ तो लिया है, लेकिन इसलिए कि वो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मैं वो जो है ना मेरे जहर में जो चीज़ आ रही है वो मैं किसी और का बखेड़ा ये मौजूदा हुकूमत समेटने तो आपकी जो है ना ख्वाहिश होती है कि आपकी गवर्नमेंट आपके इदारे जो है ना उसे रिकगनाइज करें, उसको माने, तो उसके लिए आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो अवेयर करें खुदा की अब तो रुक जाओ, अब तो काउंसिल ने क्लियर कट 3 ईयर्स जो है ना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम आगे जो है ना DHMS के लिए किया है तो उसको ग्रेजुएट डिग्री नहीं है बल्कि वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, वो अवेयर करें, वो अवेयर करें जब इसके लिए अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने गलती कर ली है ये BHMS के कोर्स में चले गए हैं, क्या उनको एक अपॉर्चुनिटी ये काउंसिल देगी कि वो 1 साल और करके तो ये ग्रेडिट जो आपका 3 ईयर का वो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं अभी जो ना बात ये फिर तो इसका मतलब ये कि आज ये बात जो है ना अभी कहने का या आगे करवाने का नुकसान क्या होगा तो लोग अभी भी जारी रखते हैं, लेकिन उन लोगों का जिस दिन काउंसिल ने अपनी मीटिंग में डिसाइड करके पब्लिक कर दिया मतलब उससे पहले के लोगों को तो पॉसिबल है, अब कोई करेगा, अब तो बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है इसके ऊपर, मतलब उन्हें परेशान नहीं होने चाहिए जिन्होंने नहीं। मैं फिर दोबारा सवाल दोबारा आपको जवाब नहीं उनके लिए सर मैं दोबारा आपको जवाब आज भी हो रहा है ना उस मैंने कहा कि अगर बाप ही आपको चीज मना कर देता है कि ये काम नहीं कर रहा है उसके बाद भी आप वो काम कर रहे हैं, एक पेरेंट बता रहा है आपको ये कह रहा है कि ना बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, तो अब अगर कोई करता है तो वो जिम्मेदार होगा। हाँ उससे पहले जब जो है पेरेंट इदारे ने जो जैसे आपने कहा कि आप रेगुलेटर थे आपने क्यों अब तो उन्हें रोक दिया था
उससे पहले जो हुए हैं उनके साथ जो है ना जो है ना बैटर सलूक किया जा सकता है वो कौन सा अपने तौर पे। अच्छा सर, मैं अब इंटरव्यू के अपने आखिरी हिस्से में आता हूँ और मैंने उसमें आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में तो एफ एस सी प्री मेडिकल की कहानी और आपका आपके तासरात ख्यालात समझ में आ गए। ए जी के काउंसिल मुतनाज़ा बड़ा दो फरीकैन में रही और उस तनाज़े के हल में भी आपकी काविशें शामिल रही सर, उस हवाले से क्या बताएंगे सर मेरे नाज़रीन को? देखिए जो आज़ाद कश्मीर काउंसिल के हवाले से जो मामला है मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, चूँकि आप भी जो है ना उस उन्हीं इदारों से निकल के आए। मैं दो चीज़ें जो है ना समझता हूँ कि आप ये कहें कि जो है ना यूनिटर जो है रोज़ाना बच्चा वो 50 साल के 60 साल का एक्सपीरियंस की तरह सीख लेगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है उनसे गलतियाँ हुई हैं जो है ना जैसे बचपन में होती हैं और नई जो है ना कौनसी मामले बने हैं। मैं पिछले दिनों जो है ना डॉक्टर फारूक साहब और जो है ना डॉक्टर फाकर साहब दोनों मिले जो है ना रिक्वेस्ट पर मेरे पास आए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जब आप आपस में लड़ते रहेंगे और आप आपस में जो है ना एक यूनिटी की फजा कायम नहीं करेंगे और आप किसी कंसेंसस पर नहीं आएंगे ना तो आपके स्टूडेंट के मसाइल हल हो सकते हैं ना ही कश्मीर में जो है ना होम्योपैथी के हवाले से मसाइल हैं। तो मैंने कोशिश की किसी हद तक मैं कामयाब हुआ कुछ जो है ना आपस में भी जो है ना बातचीत भी करवाई। जो इस वक्त मसाइल दरपेश है वो ये है कि जो है ना इस वक्त बदकिस्मती से जो आज़ाद कश्मीर कौंसिल है वो मौजूद ही नहीं है। शायद जो है ना काफ़ी ट्रायल गुजर गया कोर्ट केसेस थे वजह से जो है ना जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है उसमें नहीं सर। काउंसिल तो मेरे ख्याल में मेरी सरदार फारूक खान साहब जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं काउंसिल के ए जी के काउंसिल के उनके साथ मेरी गुफ्तगु हुई थी। उन्होंने बताया कि काउंसिल मौजूद है लेकिन आपका ये कहना है कि काउंसिल मौजूद नहीं वो मौजूद है सर सिस्टम मौजूद नहीं है वहाँ पर ये बिल्कुल सर। काउंसिल किसे कहते हैं? काउंसिल तो काउंसिल कानून मौजूद है काउंसिल मौजूद होते हैं अशखास का नाम है 21 मेंबर बनते हैं तो काउंसिल बनती है ना। सही, सही। आप ये कह रहे हैं काउंसिल मौजूद है या एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हो तो वो 21 मेंबर्स की पावर रखता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इलेक्टेड बॉडी का टेन्योर जो था वो खत्म हो चुका है आज़ाद कश्मीर में और इस वक्त उन्हीं के आपस के जो कोर्ट केसेस है उसकी बेसिस के ऊपर इस वक्त कोई काउंसिल का वहां पे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर की गालबन तैनाती हो चुकी है सर। अच्छा मुझे नहीं पता फारूक साहब उनके साथ बात की थी आप नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के साथ एमओयू साइन करें जो दोनों काउंसिल का आपस में एमओयू तो उसके अंदर जो है ना मसाइल पर डिस्कस किया जाए कि हाउ टू जो है ना रिजॉल्व दीज इश्यूज तो उसके ऊपर जो है ना बात की जा सकती है। उसी सूरत में तलब जो वहाँ से निकलने वाले लोग हैं उनका भी मसला ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा सर तलबा हैं जो कि वहाँ से फारिग तहसील है डिप्लोमा किए हुए हैं। मेरा ख्याल है शायद सवाल नहीं है 1500 स्टूडेंट हैं सर ऑलमोस्ट आप कह रहे हो 500 या 800 या कश्मीर के लोग होंगे ना तो उनके लिए तो मसाइल नहीं है उस तरह से जो जो लोग पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मसाइल है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो यही है देखो अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब बात यह है कि जो है ना देखिए वैसे अगर देखा जाए तो ना तो वहाँ पर PMDC जो कॉलेजेस हैं सारे पाकिस्तान PMDC के जरिए काम कर रहे हैं तिब्बी काउंसिल वहाँ पर मौजूद नहीं है सिर्फ एक होम्योपैथिक काउंसिल वहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है कि उनको जो है ना उन कॉलेजेस को भी इन्हीं कॉलेज इसी काउंसिल के साथ अफिलिएट करके जो है ना ये तो एडमिनिस्ट्रेटर या उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो इस वक्त आपके कहने के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है अगर मौजूद है फिर तो फारूक साहब को भी ये कहूँगा कि जो है फारूक साहब को सब मिनिस्टर से कहेंगे लेटर लिखे और जो है नीचे लीडर बैठ के बात कर रहे हैं इसके ऊपर कैसे जाने इस काम को फेज आउट किया जा सकता है। अब बात यह कि देखें
मैंने ये कहा कि चैनल होम्योपैथ पाकिस्तान कश्मीर नहीं, मैं तो पूरी दुनिया के होम्योपैथ को एक चैनल जो मिट्टी समझता हूँ, एक चैनल फैमिली को समझता हूँ। तो अगर वहाँ भी लोगों के कुछ मसाइल हैं तो वो हमें जाना हमदाना उनके ऊपर गौर करके हमें जाना रिजॉल्व करने की बात करनी चाहिए। लेकिन आइंदा के लिए जो है, जैसे आपने कहा तो देखें, एक तरफ आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एफ एस सी और जाना उसके ऊपर, और अगर आज भी आज़ाद कश्मीर काउंसिल के अंदर आर्ट्स पे दाखिले हों और वो मेजॉरिटी दाखले पाकिस्तान की वैसेनिटी से जाए, एंगल मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, मैं छेड़ना चाह रहा हूँ वैसेनिटी से जाए, मेरी उनसे भी बात हुई थी यहाँ पे बैठ के भी जो बात हुई, मैंने कहा खुदा के लिए बात करें हम, ठीक है जो देखे मेरे पिछले जो है ना दोनों दोस्त हैं मेरे भी, दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुलाजम है, गपशप होती है, अक्सर औकात मेरे पास आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ। तो मैंने एक बात उन्हें कही कि जो आप सिस्टम के बारे में सोचें कि जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो है ना आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट सतह के ऊपर आसान है काम करना, पर इसमें जो है ना पंजाब में या सिंध में या हिंदुस्तान में या पूरे होल पाकिस्तान में, तो जो है ना अगर हम वहाँ पे सही तरीके से वर्कआउट करते तो आज शायद वहाँ पे टीच क्यू बी एच क्यू में और जो है ना जो रूरल सेंटर्स हैं वहाँ पर बड़े वहाँ पर शायद उनका डॉक्टर की अपॉइंट करवाने में कामयाब हो जाते, क्योंकि आपको पता है छोटे जो है हल्के में आपके तलकार भी ज़्यादा होते हैं, आपके जो एम एल एमएलए जो हैं उनके साथ जो है ना आपकी जो है इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है, तो आप आसानी से वहाँ पे काम करवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो यही मेरी ख्वाहिश थी, मैं जो आज़ाद कश्मीर में मेरी आधी फैमिली बसती है, मैं वासी हूँ, मेरे ज़्यादा वहाँ से बहुत करीबी तलकार भी हैं सब लोगों के साथ, और जो है ना उठना बैठना भी रहता है, तो रहता भी मैं एडजस्टेड टू कश्मीर है, ये जाना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जाना सिस्टम बेटर अंदाज में चलता है। लेकिन जो इस वक्त मैं समझता हूँ जो हाई रुकावट है, उस सबसे बड़ी हाई रुकावट ये है कि वहाँ पे बाड़ी का ना हो, अगर बाड़ी है तो उसको जाना नेशनल कॉन्सिबल होमोपैथी से रब्ता करना चाहिए, जो हमारा इदारा है उस इदारे को लेटर लिखे, हम उनके साथ बैठ के भी बात की जा सकती है, और अगर नई कौंसिल आने पर ही बात होती है तब भी जाना फारूक साहब और जाना रफाकत साहब ने मुझसे एग्री कर लिया है कि आइंदा के लिए हम ये काम। तो सर वो एग्रीमेंट को पेपर में भी आए या नहीं, वर्बल एक गुफ्तगू कुछ अखलाकी याद होती है कि जो है ना जब आप कोई इन बिटवीन किसी से जो है ना कोई पैक्ट करवाते हैं तो जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन उन्होंने एग्री कर लिया कि आप इन राइटिंग भी मौजूद है मेरे पास। नाज़रीन महमूद अल्लाकबासी साहब ने आपके सामने बताया कि एजी के काउंसिल के हवाले से जो माबैन जो फरीकैन थे उनका कोई एक एग्रीमेंट भी अब हो चुका है और ऑनवर्ड उन्होंने एग्री किया है कि हम मैट्रिक साइंस को इंडक्ट करेंगे, आर्ट्स इंडक्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त है और ये क्लियर जो है ना इसमें कोई दो राय नहीं है और जो है ना कोई इमाम नहीं है। अगर अभी भी वो करें तो फिर वही बात मैं आपको कहूँगा, एक बात आप मेरे से कमिट कर लेते हैं, मैं आपके साथ कमिट कर लेता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ तो ठीक है। अच्छा सर एक कमिटमेंट और, मैं जितने भी होम्योपैथिक स्टूडेंट जो एजे के से हैं उनके हवाले से एक कमिटमेंट आपसे लेना चाहूँगा, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के सरबराह की हैसियत से जब वो ये एग्रीमेंट हो चुका, ये उस पेपर पे भी आ चुका और एडमिनिस्ट्रेटर आपको लिख के दे रहे, तो पाकिस्तान में उनको लीगल एक अंदाज में काम करने की इजाज़त या रजिस्ट्रेशन आप देंगे सर? देखिए वो चूँकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है काउंसिल है हमारे, जब वहाँ पर कोई बाड़ी आ जाती है तो मैं इंशाल्लाह उस आपके काउंसिल की मीटिंग में रखूँगा और मेरी अपनी जो राय होगी वो ये होगी कि हम कोई एग्ज़ाम कोई ऐसी चीज़ जो है ना करके, जिस तरह से आप पी एम डी सी डिफरेंट जो है ना कंट्री से लोग करके आते हैं तो उनको जो है एग्ज़ाम होता है और जो है उसके बाद उनको जो है पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए, तो इसी तरह से कुछ जो है ना एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए जिससे उन लोगों के मसाइल हल हो। मैं इंशाल्लाह उसकी कोशिश करूंगा अपनी काउंसिल की मशावरत से और काउंसिल की मीटिंग में रखने के बाद, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो जो है ना प्रेजिडेंशियल आर्डर जारी कर दे, वो मुझे जो है ना काउंसिल की मीटिंग से अप्रूवल की जरूरत होती है और इंशाल्लाह काउंसिल की हाँ मेरी अपनी जो आप कह सकते हैं वोट है या अपनी जो राय है वो ये जरूर होगी कि उनके साथ सिंपैथेटिक जो है ना उन लोगों को जाना मौका प्राप्त होना चाहिए।
بہت شکریہ محمود اللہ قباسی صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کچھ ایشوز پہ میرے ناظرین کو آپ نے آگاہ کیا. ناظرین، آپ نے محمود اللہ قباسی صاحب کی گفتگو سنی، ان سے ہم نے ایف ایس سی پری میڈیکل پاکستان میں جو ایک ترمیم زیر غور اس حوالے سے بات کی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کو کیسے لگا اس پہ، آپ کی رائے جو ہے وہ بتائے گی کہ آپ کو کیسے لگا. کالجز کے حوالے سے بات کی، بی ایچ ایم ایس جو ایک سلیبائے ہے، کورس ہے، اس کا ٹو ایئر پروگرام کے حوالے سے آگاہی دی آپ کو، اور تھری ایئر پروگرام کی بھی بات کی، اور آزاد کشمیر کے طلباء کو ایک خوشخبری بھی سنائی. یقیناً میرے خیال میں یہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے. محمود اللہ قباسی صاحب، میں مشکور و ممنون، آپ نے نیوز اینڈ نیوز وتھ کامران کو وقت دیا. ود دس انشاءاللہ کسی اور وینیو پہ، کسی اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.